ट गि एनीथिंग बैक बिकॉज वेन वी हेल्प अदर्स वी हेल्प अवर सेल्व टूडे इज सिक्स मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेटस है क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं मुंबई एंड पुणे के बीच में है भोर घाट सतरिया डांस फॉर्म है असम का तेलंगाना का है बोनालू एनुअल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में है मॉलिंग नेशनल पार्क मुरलैन नेशनल पार्क कहाँ पर है आंसर ये 1947 का था जब आजाद हुआ इंडिया उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे आचार्य जे बी कृपलानी जी सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस आज के सवाल हैं द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीम बेटका इज वन ऑफ द यूनेस्को हेरिटेज साइट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वेर इन इंडिया इज द इंडियन बिजनेस म्यूजियम लोकेटेड अभी ये काफी न्यूज में था इंडियन बिजनेस म्यूजियम लालबाग बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट पार्लियामेंट इन इंडिया जब हम बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है कंजिस्ट ऑफ वॉट इन हाउ मेनी स्टेट्स अ पोलिटिकल पार्टी मस्ट बी अ रिकोगनाइज पार्टी स्टेट पे रिकोग्नाइज पार्टी किन सब राज्यों में होनी चाहिए कितने राज्यों में होनी चाहिए सो so दैट वो बन सके नेशनल पार्टी सो so, ये पांच सवाल हैं आज के लिए आज की वोकेबुलरी है डिमिनर इसका मतलब होता है आचरण आउटवर्ड बिहेवियर और बियरिंग प्रीकरसर का मतलब होता है अग्रगामी फोर रनर अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनादर ऑफ द सेम काइंड, काइंडसर इपिटमी का मतलब होता है प्रतीक अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप मतलब किसी चीज़ का वो इपिटमी है प्रतीक है परसोनिफिकेशन एम्बॉडीमेंट है इनकारनेशन है मैस्काराट का मतलब होता है छद्म वेश फॉल्स है वो फॉल्स शो और प्रिटेंस है डिसेप्शन है फसाड है वेरेसिटी का मतलब होता है सच्चाई ट्रुथफुलनेस है एक्यूरेसी है फैक्ट्स है एक्यूरेसी ओके सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो लैंग्वेज प्रोफिशंसी बहुत जरूरी है आज संडे है मार्च सिक्स द हिंदू आज हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे यूक्रेन क्राइसिस दीज आर इंडियन स्टूडेंट्स मणिपुर में वोटिंग टॉक्स शुड बी फॉर पीस सेज आवर डिफेंस मिनिस्टर एफ ए टी एफ का रिपोर्ट है जी पी एस फिटेड ये टेरापिन है टर्टल्स जी बी रोड स्विमिंग पूल एस टी पी दहली रिलेटेड न्यूज़ है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का ये इंटरव्यू आया है यूक्रेन क्राइसिस में जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसमें यहाँ अच्छी इंसाइट्स हैं दिस इज बी ए पी एस स्टूडेंट्स नो डिसीजन ऑल डील कैंसलेशन रशिया और डिफेंस इक्विपमेंट का इम्पोर्ट इससे रिलेटेड है ये आई एम एफ की वार्निंग है ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट का वायु शक्ति पोस्टपोन हो गई है इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज ये बहुत अच्छा आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जुडिशरी में कैसे यूज़ किया जाए ये एक्सरसाइज मिलन है ये सारी वर्ल्ड न्यूज़ प्राइमरली रेलेवेंट, रिलेटेड टू यूक्रेन क्राइसिस है आज संडे है एडिटोरियल नहीं होता दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी वायरस स्नैपशॉट। दिस इज बोल्डमैन मेडल और ये है एफ एक् नाटो एक्सपेंशनिज्म कॉमोडिटी क्रंच और मेडिकल स्टडीज डिजिटल में प्रोफाइल्स में हम पढ़ेंगे गिफ्ट सिटी का आप नई चीफ हैं सेबी की एंड दिस इज़ बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ ऑल राइट सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स अवर रेफरेंस मटेरियल इज द हिंदू ओनली फॉर टूडे सी रिगार्डिंग द कोर्स क्विज अभी अपन टेलीग्राम पे कॉन्टिन्यू कर रहे हैं जो इसमें एवरी डे आई एम पोस्टिंग टेन एम सी क्यूज एवरी डे ज्वाइन दिस ग्रुप इसका एड्रेस है सृजन इंडिया वन सृजन इंडिया सृजन होता है टू क्रिएट इंडिया इज अवर कंट्री वन इज टू बिकम नंबर वन वन इज टू बिकम वन यूनाइटेड सृजन इंडिया वन ओके okay? तो इस इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए एवरी डे आई एम पोस्टिंग टेन एम सी क्यूज दीज आर गुड एम सी क्यूज ट्राई टू सॉल्व दैम एवरी डे इससे आपके बहुत सारे जो मॉडरेट और इजी लेवल के जो बिगिनर कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे और कंसॉलिडेट भी हो जाएंगे ओके okay? और एक डिसिप्लिन आ जाएगा एक हैबिट बन जाएगी डेली एम सॉल्व करने का सो जॉइन इट एंड सॉल्व दीज एम सी क्यूज एवरी डे ओके टेन एम सी क्यू एट लीस्ट हमें रोज करना है ओके नाउ लेट लेटस्ट बिगिन टू दिस टूडेज डिस्कशन आवाज़ थोड़ा बैठ गया आई विल टॉक स्लोली ओके आई एल गो ईजी और आज भी अपन कंटिन्यू करेंगे दिस इंडिविजुअल मीट सेशन गूगल मीट में पिंग मी एंड विल अरेंज इन इवनिंग ओके नाउ दिस इज अबाउट यूक्रेन द हिंदू यूक्रेन पुतिन रशियन प्रेसिडेंट वॉन्स अगेंस्ट इम्पोजिंग नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन अगर नाटो ग्रुप ने नो फ्लाई जोन लगाया यूक्रेन पे तो इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन और रशिया का जो फाइट चल रहा है इसमें दूसरी कंट्रीज इंटरवीन करने लग गए नाटो इंटरवीन कर रहा है तो ये मतलब सीरियस फिर फाइट हो जाएगा रशिया वर्सेस नाटो ग्रो वन ऑन वन फाइट हो जाएगा तो वॉर्न किया है थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि नाटो वॉर को ज्वाइन कर रहा है तो इसको बहुत फिर सीरियसली रशिया कंसिडर करेगा सो ये एक वार्निंग है लेट सी अभी यहाँ पे क्या होता है हमारा जो स्टैंड है ना अपना स्टैंड जो है वो वेरी मच न्यूट्रल है हम रशिया का भी जो प्रॉब्लम्स हैं रशिया को जो चैलेंजेस आ रहे हैं ये आगे अपन देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस नाटो एक्सपेंशन वो जेन्यन है सिमिलरली जो नाटो का जो गेम प्लान रहा है सी वो जो वॉर टाइप सिचुएशन है ना इसमें कोई भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है दिस इज़ अ फैक्ट बट द पॉइंट इज इंडिया को जो अपने इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लेने होते हैं रशिया हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्टनर रहा है तो देट इज़ वाई यू में हम एबसटेंट रहे हैं यहाँ पे जो रिजोल्यूशन हुआ उसमें हमने वोट नहीं दिया एट द सेम टाइम यूक्रेन यू इनके साथ भी हमारे कॉर्डियल रिलेशंस रहे आज की डेट में जो हमारी नंबर वन प्रायोरिटी है वो ये है इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना प्लस वर्ल्ड में जहाँ भी वॉर हो रहा है उधर क्या होता है जो सिविलियंस होते हैं उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट होती है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है रिफ्यूजी क्राइसिस होता है सिविलियन का लाइफ लॉस होता है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है इकोनॉमी शैम्बल्स इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती है सो द पॉइंट इज इन सब चीज़ों को वी डू नॉट एनकरेज वी वॉन्ट पीस वी वॉन्ट की रशिया और जो यूक्रेन है पीसफुली इस रिजोल्यूशन इस प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली वो सॉल्व करे वॉर और वायलेंस शुड नॉट बी दी आंसर दिस इज अवर अप्रोच ऑल राइट सो दिस इज ट्रिकी पासिंग जैसे इवैक्यूएट इवैक्यूएट हुआ सी कैटस्ट्रॉफिक होता है कोलेट्रल डैमेज होता है जब वॉर होता है तो और इकोनमी अगेन बुरी तरह इम्पैक्ट होती है यही चीज़ आई ने बताया सीरियस ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा एनर्जी और कमोडिटी की प्राइसेस में हाइक होगा इन्फ्लेशनरी हाइक होगा और इसका कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे ये दोनों टॉपिक अभी आगे और डिटेल में देखते हैं गवर्नमेंट रीअश्योर्स स्टूडेंट्स टक इन यूक्रेन समी सी हमारी प्रायोरिटी है जो इंडियंस हैं यहाँ पे उनको सेफली यहाँ से इवैक्यूएट करना है इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है और इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर इसको एक्टिवली वर्क कर रही है सो द इज एफर्ट्स हमें और स्केल अप करने चाहिए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं वो डिस्ट्रेस में है वॉर टाइप सिचुएशन है वी नीड टू स्टेप अप आवर एफर्ट्स और इन सारे स्टूडेंट्स को सेफली इंडिया में लाना हमारा प्रायोरिटी है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है 76 परसेंट वोट इन मणिपुर फेस टू अमिट वायलेंस टॉक्स शुड बी फॉर पीस सेज डिफेंस मिनिस्टर नो सी ये हमारा स्टैंड है अवर डिप्लोमेटिक अप्रोच हैज़ बीन ऑफ मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स विद ऑल कंट्रीज दैट इज द कॉन्टेक्सट इन विच इंडिया ऑपरेट नोट डाउन दिस लाइन यही लाइन लिखना है हमें आंसर में अवर डिप्लोमैटिक अप्रोच हैज़ बीन ऑफ मेनटेनिंग गुड रिलेशनशिप विद ऑल कंट्रीज दैट इज द कॉन्टेक्सट इन विच इंडिया ऑपरेट्स वी डोंट सी द इंडिया रशिया रिलेशनशिप ऑनली इन द कॉन्टेक्सट ऑफ दिस क्राइसिस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन रशिया एक बहुत ट्राइड इंटरेस्टेड रहा है रशिया की जो रशिया के जो कंसर्नस हैं वो भी हम समझते हैं सो द पॉइंट इज एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी समझते हैं तो हम यहाँ पर पीस को आगे बढ़ाने को बोल रहे हैं वेरी कंसिस्टेंटली दैट टॉक्स एंड डिप्लोमेसी शुड बी डिप्लॉयड टू एस्टैब्लिश पीस ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है टॉक्स हो डिप्लोमेसी हो और पीस यहाँ पे एस्टैब्लिश हो इस पूरे क्राइसिस के टाइम पे सो दिस इज द थिंग अब ये बात है एफ पाकिस्तान की पॉलिसी रही है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान की पॉलिसी रही है मनी लॉन्ड्रिंग सो दैट इज वाई जो एफ एफ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया था ग्रे लिस्ट का मतलब होता है वॉच मॉनिटर हो रहा है एक होती है ब्लैक लिस्ट ब्लैक लिस्ट में कितनी कंट्रीज हैं आंसर कम ही है ब्लैक लिस्ट में वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज अभी एफ ब्लैक लिस्ट में तो ये है अबाउट एफ पाकिस्तान तो अभी कंटिन्यू रहेगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ये जो और इसके लिस्ट के पैरामीटर्स हैं 34 एक्शन पॉइंट हैं इस पर पाकिस्तान को वर्क करना ज़रूरी है ये एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है जी पी एस फिटेड टर्टल्स प्ले फास्ट एंड लूज विद बॉर्डर्स एंटर बांग्लादेश एक्चुअली क्या होता है एनिमल्स हुए बर्ड्स हुए इनको थोड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर समझ में आता है इनके लिए तो अर्थ इज वन सो ये जैसे टर्टल्स हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे इनको सेफ गार्ड करने के लिए इनमें जी पी एस का टैग फिट किया गया जी पी एस टैग अब क्या हुआ ये टैग जो हुआ वो इंडियन साइड में हुआ फिर इनको रिलीज किया फॉरेस्ट में और ये स्विम करते हुए चले गए बांग्लादेश में अब वहाँ पे इनको जो फिशरमैन वगैरह उन्होंने इनको पकड़ा तो वहाँ पर इनका टैग उनको दिख गया उसमें मोबाइल नंबर भी था तो पता चला ये सारे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं टेरापिन हैं टर्टल्स हैं इनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर कंजर्वेशन एफर्ट था एक्चुअली ये जो जी जो होता है जी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस से क्या होता है हम इनका मॉनिटर करते हैं कि ये किस जगह जा रहे हैं इनका क्या बिहेवियर है एक्टिविटी क्या है इससे क्या होता है इनकी हैबिटेट के बारे में हमें पता चलता है मॉनिटरिंग कंजर्वेशन बेटर होता है दिस इज़ वेरी नॉर्मल एक्सरसाइज काफ़ी सारी स्पीशीज़ में जी ऐसे लगाया जाता है तो ये इनका पैटर्न देखने को हुआ एक्चुअली ये पूरा एरिया सुंदरबन इज वन ग्रुप वन यूनिट है तो स्पीशीज़ अक्सर ऐसे बाउंड्री ऐसे क्रॉस करते हैं जब स्पीशीज़ ऐसे बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो उनका कंजर्वेशन और डिफरेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज़ इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स करने पड़ते हैं तो दैट इज़ वाई उसके लिए फिर साइट्स और ऐसी एजेंसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है तो ये है टेरापिन टेरापिन तो दिस इज आर टर्टल्स और ये बांग्लादेश सुंदरबंश में चले गए थे तो ये है टेरापिन दिस इज़ अगेन वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ एट जी बी रोड अ चांस टू लर्न एंड लिव सी हम हमेशा बात करते हैं जो ह्यूमन डिग्निटी है अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए तो एक रिसेंटली ओपनड है पिंक पुलिस चौकी पिंक पुलिस चौकी यहाँ पर क्या हो रहा है वोकेशनल स्किल्स दिखाई जा रही है सिखाई जा रही है ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट और क्या कर सकते हो प्रोफेशनल और कौन सा लाइक like, इंग्लिश सिखाई जाती है आर्ट एंड कल्चर सिखाया जाता है ये सब वोकेशनल स्किल्स होती है तो वोकेशनल स्किल्स इम्पार्ट की जा रही है टू सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन एज वेल सो दैट उनके पास ऑल्टरनेट लाइवलीहुड का यहाँ पे ऑप्शन मिले लर्न एंड लिव तो दिस इज रियली गुड इनिशिएटिव मल्टी स्किल ट्रेनिंग सेंटर है पिंक पिंक पुलिस चौकी ऑन जीबी रोड न्यू दिल्ली सो दिस इज़ गुड जैसे यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड अ मंथ अर्न कर रहे हैं स्किल्स एंड गुड कंप्यूटर सिखाया जा रहा है यहाँ पे तो दिस इज़ रियली रियली नाइस ये है स्विमिंग पूल्स ओपन एट टू गवर्नमेंट स्कूल्स ये भी बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छी फैसिलिटीज़ होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को फ्री और इक्वल एक्सेस यहाँ पर मिले एजुकेशन जो है वो हम हमेशा बोलते हैं एक्सेबल होनी चाहिए अफोर्डेबल होनी चाहिए और उसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिम्मेदारी के साथ पढ़ाना ज़रूरी है एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड अकाउंटेबल सो दिस इज दर अ न्यू एसटीपी इन नॉर्थ दिल्ली कैन ट्रीट दीज मेनी लीटर ऑफ सीवेज अ डे अब शहरों में क्या होता है शहरों का जितना भी वेस्टेज होता है सीवेज का वो सीधा आके नदी में बहा देते हैं इसी के कारण इंडिया की हर रिवर पॉलिटिंग हो जाती है सीवेज सीवेज को बिफोर रिलीजिंग ऑन दिस रिवर इन दिस रिवर हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि वहाँ का जो वेस्टेज है हार्मफुल बैक्टीरियाज़ वगैरह है वो हम एलिमिनेट कर पाए तो इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है नॉर्थ दिल्ली में इतने करोड़ लीटर सीवेज वो हर दिन ट्रीट करेगा तो दिस इज़ रियली रियली नाइस ओके अब है द मैजिक ऑफ हेयरलूम डिशेज एंड दिस इज सी इंटरव्यू में कहा है वी डोंट सी रशियन टाइज ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूक्रेन सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग जो डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया का स्टैंड तो दिस इज अबाउट यूक्रेन में डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ फूड एंड होप नो सी प्रॉब्लम्स हैं हम यहाँ से रह के चीज़ों को बोल सकते हैं बट जिस पे बीत रही है ना वो वो समझ पाता है एक्चुअली कितना क्राइसिस है यहाँ पे अनसर्टेनिटी है लाइफ का थ्रेट है यहाँ पे फूड एंड होप सो दैट इज़ वाई इमिजिएटली यहाँ पे रिलीफ वर्क प्रोवाइड कराना जरूरी है इवैक्यूएशन ज़रूरी है डील कैंसलेशन पे कोई डिसीजन अभी नहीं हुआ है एक्चुअली क्या है हम रशिया के बहुत बड़ा हम डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्ट करते हैं मिक ट्वेंटी नाइन सू थर्टी कामोव टू टू सिक्सटी हेलीकॉप्टर अभी रशिया से लेने थे नेक्स्ट प्लॉट लेना था बट अब यूक्रेन क्राइसिस भी हो गया पिछले कुछ टाइम से ये भी बात चल रही है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट है इस पर डिपेंडेंस को कम करो हम खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएं और हम डाइवर्सिफाई करें कि केवल एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो तो इसलिए अभी बात चल रहा था ये जो हेलीकॉप्टर है कोस्ट गार्ड के कामोव टू टू सिक्सटी या फिर जो मिसाइल्स हैं के जो के ए टू टू सिक्स है कामोव या फिर ए के टू नॉट सिक्स है कलाशकोव मशीन गन्स एट्सेट्रा इनको हम रशिया से कंटिन्यू करें या फिर हम अपना भी सेल्फ जो है रिलायंस उसको बढ़ाएं फिलहाल के लिए इस पर कोई डिसीजन नहीं है सो लेट अस वेट लेट अस वेट डील कैंसिलेशन अभी नहीं है अब लुक एट दिस पिक्चर ये क्या है इंडियन एयरफोर्स रिहर्स कर रही है फायर पावर डिमॉन्सट्रेशन एक्सरसाइज का नाम क्या है वायु शक्ति टू कुछ दिन पहले हमने डिफेंस एक्सरसाइज पर एक नोट बनाया था उसके पीछे ना आप ऐसे पेज ऐड कर लिया करो और जो भी नई ऐसी एक्सरसाइज आ रही है ना उसको ऐड करते जाओ ताकि वो आपका बड़ा अच्छा एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में बन जाएगा वो तो ये वायु शक्ति 2022 है पोस्टपोन कर दिया है अगेन डेवलपिंग देव, सिचुएशन जो यूक्रेन में हो रहा है तो दिस इज सिमिलरली एक और एक्सरसाइज है कल परसों ही पड़ा था यूके के रिलेटेड उस एक्सरसाइज का नाम बताओ वो वाली एक्सरसाइज भी पोस्टपोन हो गई है ओके आई ने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बताया असेंबली पोल्स रिलेटेड न्यूज है यह न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सी जुडिशरी में भी ना एक टाइप ऑफ केसेस आते हैं जैसे ट्रैफिक चालान रिलेटेड केस आ रहा है तो मतलब बहुत सारे केस मोनोटोनस होते हैं एक ही पैटर्न के होते हैं तो क्यों ना हम कंप्यूटर्स यूज़ करें मशीन्स यूज़ करें मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो जजेस को केस लिखने में हेल्प करें तो ऐसे एक जज केस लिखेगा तो उसको एक हफ्ता लग जाएगा क्योंकि जजेस को भी सारा एक चीज़ लिख के राइटिंग में देना पड़ता है कि मैंने ये डिसीज़न लिया तो क्यों लिया उसका पूरा बैक स्टोरी बताना पड़ता है डिसीज़न किस पैरामीटर्स में तो जुडिशरी मतलब ये नहीं कि आपने डिसीज़न अनाउंस कर दिया उस डिसीज़न को लिख के पूरा बताना पड़ता है इसमें बहुत टाइम लगता है तो क्यों ना हम मशीन लर्निंग ए कंप्यूटर्स के थ्रू इस चीज़ को स्पीड अप करें तो इससे क्या होगा एक जज जो सात दिन केस को लग रहा था वो अब एक दिन में ही हो जाएगा स्पीड आएगी एफिशिएंसी आएगी तो ये है ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का होगा टेक्नोलॉजी को इम्बाइब कर रहे हैं स्पीडी डिलीवरी हो पाएगी केसेस की दो नाम याद रखने हैं सुवास और सुस्पेस सुवास और सुपेस सुवास क्या है ये एक लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है ये ट्रांसलेट करेगा जजमेंट्स को सुवास सुपेस क्या है ये एक ड्राफ्ट लीगल ब्रीफ होगा इनिशिएटिव है इंडियन जुडिशरी का तो इसमें भी क्या होगा ड्राफ्ट रहेंगे बहुत सारे केसेस के उसके हिसाब से आप फटाफट केस को फाइनलाइज कर दो जज तो राइटिंग एंड जो बैकग्राउंड वर्क है वो बहुत ईजी हो जाएगा तो ई कोड प्रोजेक्ट है ई कोड प्रोजेक्ट में दो टर्म्स हैं सुवास और सुपेस सुपेस ओके ऑटोमेटेड सिस्टम होगा डिसीजन इस टाइप से यूएस में भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं इससे क्या होगा चीजें अप होगी बट अगेन वन साइज सॉल्यूशन नहीं हो सकता कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वहाँ अपन ए मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं बट अगर क्रिमिनल केसेस है जहाँ पे ओरल एविडेंस लेना है क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो वहाँ तो जज साहब को ही बैठना पड़ेगा और कोई ह्यूमन इंटरवेंशन रेगुलर है मशीन वहाँ पे डिलीवर नहीं कर पाएगी बट द पॉइंट इज कंज्यूमर कोर्ट ही हो गया ट्रैफिक कोर्ट भी हो गया अगर 50 प्रतिशत केस भी कम हो गए तो जुडिशरी पर बर्डन कम पड़ेगा ना तो दिस इज़ अगेन गुड तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जुडिशरी पर है ये अब है नेवल एक्सरसाइज मिलन कंक्लूज इन विशाखापटनम ये है मिलन मिलन एक्सरसाइज अभी हुई 40 कंट्री ने इसको पार्टिसिपेट किया प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू भी था सबमरीन वगैरह सब यहाँ पे आए थे एक्सरसाइज क्यों होती है एक्सरसाइज इसलिए होती है ताकि हम ऑपरेशन रेडीनेस रहे इंटर ओपरेबिलिटी रहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो मैरीटाइम कोऑपरेशन हो बिकॉज ओशियंस को गार्ड करना किसी एक नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये सारी नेवीज को मिलके करना पड़ता है डिफरेंट कंट्रीज के तो सच टाइप ऑफ जो एक्सरसाइजेस हैं ये बड़ी यूजफुल होती है तो इसमें जैसे यूएस का भी आया था एयरक्राफ्ट आया था वेपन फायरिंग देखा अपन ने सारी टेस्टिंग हो जाती है एक मॉक ड्रिल हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट जो केपेबिलिटीज है नेवी की तो दिस इज नेवल एक्सरसाइज मिलन पुतिन लाइक वेस्टर्न सेंक्शन टू वॉर यूएस चाइना डिस्कस यूक्रेन सिचुएशन चाइना इज अगेन हैवीली स्पेंडिंग ऑन मिलिट्री तीन डॉक्टराइन पढ़ा है ना अपन ने पहला डॉक्टराइन था स्टैंड अप दूसरा डॉक्टर इन था इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनो शी जिनपिंग डॉक्टराइन है मिलिटरी स्ट्रॉन्ग बनो ओके पाक पुलिस ट्राई टू दिस सिक्सटी टू अब ये है टेक्नोलॉजी फर्स्ट जो है वो है अबाउट वेरियंट डो नॉट ऑलवेज इवॉल्व टू बिकम लेस वेरेंट एक्चुअली क्या होता है जैसे जैसे वेरिएंट्स नए नए आते हैं ना वो ज़्यादा सीवियर होते हैं कम नहीं होते वो तो ओमिक्रॉन ऑल दो लेस माइल्डली था माइल्ड था बट हमें गार्ड्स ड्रॉप नहीं करने आगे क्या होने वाला है वेरियंट अगर और डेडली होगा देन वॉट तो इसी बात पर कॉश्चन है कि वी नीड टू नॉट ड्रॉप अवर गार्ड्स वायरस इज डोंट इनोवेटिवलीवॉल्व टूवर्ड तो लेस वेरुलेंट वायरस यूजअली हमेशा वेरुलेंसी बढ़ती है मतलब वो डेडली होता है It is not true that variants are becoming milder, तो इट इज़ नॉट टैट वेरियंट आर बिकमिंग माइल्डर तो गार्ड्स ड्रॉप नहीं करना है कोविड इज स्टिल आउट दैर ये स्नैप शॉट है इसमें तीन हैं प्राइमरी एक तो जैसे ये है टैरानोसॉरस एक्चुअली डायनोसॉर्स पहले थे फिर चले गए जोरासिकज इनके अपन को जीवाश्रम मिलते हैं और उनसे अपन देखते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का हुआ होगा इस टाइप से फाइंडिंग है तो एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की फाइंडिंग है यहाँ पे इन्होंने टायरानोसोरस से किया है और इसमें यह देखा गया कि थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में था फेमर एक बोन है उसको इन्होंने देखा टीत को देखा तो ऐसे स्पेसिमन से इन्होंने पता लगाया कि डायनासोर ऐसे होते होंगे नो ब्लैक होल तैर ब्लैक होल क्या होता है आंसर इसमें ग्रेविटी क्या होती है लाइट क्या ब्लैक होल से पास हो सकती है आंसर तो हम एक चीज़ को ब्लैक होल मान रहे थे बट बाद में पता चला एस्ट्रोफिजिक्स में कि वो ब्लैक होल नहीं है ये करीब हज़ार लाइट ईयर दूर है लाइट ईयर जो होता है ना ये डिस्टेंस ऑफ दिस यूनिट ऑफ डिस्टेंस है टाइम डिस्टेंस है मतलब वन लाइट ईयर मतलब लाइट को वन ईयर में इतनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी दैट इज लाइट ईयर लाइट ईयर ओके देन दिस इज कॉजल लिंक बिटवीन ब्लड ग्रुप एंड सीवियर कोविड नाइनटीन एक फाइंडिंग आई है ये दीपक धर साहब हैं आपको मिला है जॉन एच हॉपफील्ड चोजन फॉर बोल्जमेन मेडल बोल्जमेन मेडल तो आपको ये मेडल मिला है एंड स्टैटिस्टिक्स फिज़िक्स पे है ये तो दिस इज़ बोल्जम मेडल दिस इज़ अगेन रियली गुड इंडियन साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड नोन तो आपको ये इसलिए मिला है फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में किया आपने सेल्फ ऑर्गेनाइज फे इंटरफेशल ग्रोथ यूनिवर्सल लॉन्ग टाइम रिलैक्सेशन इस तरीके के इन कॉन्सेप्ट्स में आपने वर्क किया तो आपको मिला बोल्जम मेडल सवाल क्या आएगा बोल्जमैन मेडल किस लिए मिलता है तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में मिलता है बोल्जमैन मेडल किन को मिला तो दीपक धर सबको मिला जॉन एच होपिल्ड चोजन ये एक और नई एक स्टडी आई है कि जैसे ओरल कैंसर पेशेंट्स हैं कैंसर क्या होता है अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज सेल्स होता है तो उसके कारण ये होता है ये जो चीज है वो है ओरल कैंसर ओरल कैंसर इंडिया में प्राइमरली होने का रीजन है टोबैको टोबैको टू तो द पॉइंट इज ये कुछ बैक्टीरिया है इसको अगर, अगर अपन डिटेक्ट कर लें तो हमको डिटेक्ट हो सकता है कि पेशेंट्स में कितनी प्रोबेबिलिटी है ये होने का ऐसा एक फाइंडिंग है इज देर अ लिंक बिटवीन अल्कोहल कंजम्पशन एंड ब्रेन वॉल्यूम यस अल्कोहल कंजम्पशन से ब्रेन एक्टिविटी कम होती है अब आता है एफ ए एफ में पहला एफ है कॉमोडिटी क्रंच अब देखो जोग्राफी हमने अच्छे से पढ़ लिया पूरा मिडिल दिस यूक्रेन का सेंट्रल एशियन कंट्रीज का रशिया का आंसर राइटिंग भी कर लिया यहाँ पे प्लेन्स भी हैं और यहाँ पे वीट बहुत अच्छा मिलता है वीट बिकॉज ये कौन सा क्लाइमेट है टेम्परेट है यहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेट और टेम्परेट जो होता है वो वीट कल्टिवेशन के लिए अच्छा माना जाता है कमोडिटी का क्रंच सेंक्शन है रशियन इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म सप्लाई व्हीट ऑयल मेटल एंड अदर गुड्स में जो यूक्रेन है ना यहाँ सनफ्लावर भी बहुत होता है इसका कलर भी देखो सनफ्लावर है इसका कलर जैसे येलो एंड ब्लू तो वीट ऑयल मेटल और अदर गुड्स का ओवरऑल जो वर्ड है सप्लाई इंपैक्ट होगी रशियन फोर्सेस यूक्रेन में है ब्लूमबर्ग कॉमोडिटी इंडेक्स है इसने बताया कि अब जो चीज़ें हैं सप्लाई वो हिट होंगी एसेंशियल कॉमोडिटी ऑयल मेटल एग्री एक्सेट्रा तो ब्रैंड क्रूड है वो भी 120 डॉलर पर बैरल तक हो गया है, तो इससे अपने को भी प्रेशर आएगा अभी ऑयल का प्राइस अभी बढ़ने वाला है फ्यूल एंड डीजल अब कमोडिटी प्राइस शूट हो रहा है ओके okay? तो इससे क्या होगा परचेजिंग ऑयल डिफिकल्ट होगा एक्चुअली क्या होता है जैसे रशिया है रशिया पूरे वर्ल्ड में ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है बट रशिया से कोई खरीदेगा नहीं बिकॉज इससे खरीद के उसको बेचना डिफिकल्ट हो जाएगा तो ग्लोबल मार्केट में सेंक्शनस के कारण रशियन ऑयल का डिमांड नहीं आएगा बिकॉज वो सेल नहीं होगा सेम चीज़ हमने ईरान के साथ देखा ईरान के पास बहुत सारा ऑयल है बट कस्टमर नहीं है तो अभी सेम चीज़ रशिया के साथ होगा प्लस जो स्विफ्ट पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है जिससे सारे बैंक इंटर कनेक्टेड रहते हैं वो अगर फ्रीज हो रहा है तो रशियन फॉरेन रिजर्व भी इम्पैक्ट होंगे रशिया के साथ बिजनेस डिफिकल्ट होगा एक्सपोर्ट है इस रीजन का वो इम्पैक्ट होगा नॉट ओनली रशिया यूक्रेन के साथ भी ये क्राइसिस होगा अब यहाँ पे नेचुरल गैस भी है और इसके अलावा एक पैलेडियम भी होता है पैलेडियम एक वाइट कलर का मेटल है जो क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है कैटालिटिक कन्वर्टर में तो रशिया में ये डिफ़िकल्टी होगा रशिया में पैलेडियम मिलता है अब सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन चिप फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी आएगी इसमें जो इनर्ट गैसेस वगैरह हैं वो यूक्रेन से है तो यूक्रेन से भी डिफिकल्टी आएगी ग्लोबल वीट जो है वो यूक्रेन से है डिफ़िकल्टी आएगी कॉर्न के एक्सपोर्ट में डिफ़िकल्टी आएगी ओके अब ओपेक जो है वो बोल रहा है कि रशिया सेंक्शन से तो हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे इवन कल एलॉन मस्क का भी आया था जो यूएसए है उसको भी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए बट ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है कुछ ही एक या दो महीने में देखना क्राइसेज इतना वर्जन हो जाएगा कि ये सेंक्शंस लिफ्ट करनी पड़ेगी सप्लाई ऑफ गुड्स लिमिटेड है स्कॉ दिख रही है और प्राइस राइज हो रहा है इसका एक रीज़न और भी है जब से कोविड हुआ बैंक्स सारे बैंक्स ने ईजी मनी पॉलिसी अपनाई चीपर मनी दे दिया तो टू मच मनी है मार्केट में बहुत पैसा है टू मच मनी और टू लिटिल टू लिटिल गुड्स है गुड्स तो बन ही नहीं पाए सप्लाईज नहीं हो रही थी तो इससे क्या होगा पुश इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया ये तो ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है प्रिंटेड बहुत सारा मनी सेंट्रल बैंक और रैपिड इंक्रीज हो गया कोमोडिटी प्राइसेस में तो ब्लूमबर्ग कॉमोडिटी इंडेक्स बता रहा है सिक्सटी परसेंट तक ये राइज हुआ है कॉमोडिटी का प्राइसेस लेटेस्ट सी आगे अनसर्टेनिटी है वॉर अभी अनप्रडिक्टेबल है वॉर को प्रडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है पर इसमें एक चीज और भी है सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो ट्रुथ नहीं है रशिया का वर्जन हमें, हमें का दिख ही नहीं रहा है हमें केवल यूक्रेन का वर्जन दिख रहा है बिकॉज़ रशिया में इंटरनेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं है क्राइसिस के कारण प्लस जो मीडिया है मीडिया कौन कंट्रोल कर रहा है मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय वेस्ट सो मीडिया विल ओनली टेल दैट नैरेटिव जो वेस्ट को सूटेबल रहेगा सो पॉइंट इज अभी जो भी चीज़ें आपको सोशल मीडिया में देख रही है वो केवल एक साइड का वर्जन है दूसरा वर्जन नहीं है तो ये बात है कंज्यूमर्स रशियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हैं तो पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे हिट तो होगा बिकॉज ऑफ दिस अब स्टैग जैसी चीज़ें नहीं हो स्टैग का मतलब बताइए क्या होता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिस इन्फ्लेशन क्या है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन डिस इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन स्टैग फ्लेशन ओके तो ये अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी सेकेंड जो है वो है नाटो एक्सपेंशनिज्म ये टॉपिक हमने पहले भी देखा था नोट्स हैव एडेड सारे इसमें हैं आप इसको रिवाइज कर लेना सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी देखो ये जो एरिया है ये नाटो यहाँ तक आ गया है आज की डेट में यूक्रेन भी नाटो में आ रहा है तो ये मॉस्को है तो सी मॉस्को के यहाँ तक नाटो आ गया है तो ऑब्वियसली रशिया अलार्म फील करेगा जब फ्लोरिडा के पास क्यूबा में रशियन मिसाइल्स आई थी तो रिमेंबर अमेरिका कितना अलार्म हो गया था तो मॉस्को का भी जो कंसर्स है वो करेक्ट है जस्टिफाइड है और यूक्रेन जो है अब देखो सारी वेपन सप्लाई यहां से आ रहा है सब कुछ इसको सपोर्ट मिल रहा है टैक्टिकल एटसेट्रा तो ऑब्वियसली ये वॉर लाइक सिचुएशन है तभी पुतिन ने कहा कि अगर यहां नो फ्लाई जोन नाटो करता है तो वो डायरेक्ट पार्टी टू वॉर हो जाएगा सो दिस इज देयर नाटो का अगर, अगर अपन बेसिकली देखें तो नाटो जो है ये 1949 में बना था 4 अप्रैल नाइनटीन इसका पर्पज़ ये था सोवियत एक्सपेंशनिज्म को डिटर करना फॉरबिड करना रिवाइवल ऑफ़ नेशनल मिलिटरिज्म इन यूरोप स्ट्रांग नॉर्थ अमेरिकन प्रेजेंस कॉन्टिनेंट यूरोप में रखना और एनकरेज करना यूरोपियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन मतलब कि रशिया को चेक करो सोवियत को यूएसए की प्रेजेंस यूरोप में बढ़ाओ यूरोप में इंटीग्रेशन लाओ ताकि वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू जैसी चीज़ें भी नहीं हो तो ये नाटो था ओवर द टाइम 1991 में जो रशिया का डिसइंटिग्रेशन हुआ बिफोर दैट जैसे ये नाटो है तो इसी का काउंटर अपन वॉरसाप पैक्ट बोल सकते हैं वॉरसाप पैक्ट क्या था ईस्टर्न यूरोपियन कैपिटल्स मॉस्को के क्लोजली रहेंगे ये बहुत डेकेट्स तक इफेक्टिव भी रहा कोल्ड वॉर के टाइम पर बट फाइनली क्या हुआ कि 1956 फिफ्टी 68 वगैरह में वारसा पैक्ट ने इन कंट्रीज में स्टेबिलिटी भी लेके आया बट इन दी एंड क्या होगा वॉरसा पैक्ट था कि ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये मॉस्को के इन्फ्लुएंस में रहे ये वाली कंट्रीज़ ये वाली कंट्रीज़ है ना क्योंकि हार्टलैंड रिमलैंड ये कंट्रीज़ मॉस्को के प्रॉक्सिमिटी में रहे ये वार्सा पैक्ट था वार्सा पैक्ट ने बहुत हद तक यहाँ स्टेबिलिटी भी लेके आया बट फिर क्या होता है नाटो ज़्यादा तेजी से ग्रो करता है और वार्सा पैक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेशन होता है वॉल भी फॉल होती है दिस जर्मनी की ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी और वॉरसअप एक्ट खत्म हो जाता है अब वॉसअप एक्ट खत्म हो गया तो नाटो भी खत्म होना चाहिए था बिकॉज नाटो प्राइमरली अगेंस्ट दिस था यूएसएसआर बट नाटो खत्म नहीं होता जब वॉर्सअप एक्ट खत्म हुआ वॉर्सअप एक्ट 1991 में खत्म हुआ तो यूएस सेक्रेटरी स्टेट जेम्स ए बेकर ने सोवियत लीडर मिखाइल गौरबा को बोला था देर वुड बी नो एक्सटेंशन ऑफ नाटोजिक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ नाटो वन इंच मतलब वॉरसा खत्म हो गया नाटो भी खत्म होना चाहिए टेक्निकली बट नहीं हुआ प्रॉमिस किया गया कि अब ये जो रशिया वाली फॉर्मर यूएसएसआर कंट्रीज थी इनपे नाटो नहीं अपनी नज़र लगाएगा इनको एक्सपैंड नहीं करेगा बट अगेन नाटो ने यह काम किया सो देट इज़ वाय व्लादिमिर पुतिन का शुरू से पॉलिसी रहा है कि इस नाटो को वापस पुशबैक करना है नाटो में ये भी एक चीज़ होती है आर्टिकल फाइव होता है एक पे अटैक हुआ मतलब सब पे अटैक माना जाएगा तो द पॉइंट इज कि ये देखो यहाँ शुरू में ऐसा था नाटो फिर बाद में देखो वन बाय वन नाटो एक्सपैंड होता गया अभी यूक्रेन भी नाटो में मिलने की बात कर रहा है तो दैट इज़ वाई दिस रशिया का जो रशिया का जो एप्रीहेंशन है वो एक हद तक जेनविन भी है सर्टेन भी है देखो 1949 में ये था 2000 में इतना हो गया और ये सारे इमिनेंट हैं जैसे पहले हमने देखा था जॉर्जिया भी मिलने की बात कर रहा था नाटो में तो उससे फिर रशिया ने वहाँ पे एक, एक एक्शन लिया यूक्रेन ओपनली बोल रहा है हमें यूरोपियन यूनियन में मिलना है नाटो में मिलना है सो द पॉइंट इज इस वॉर में ऐसा ऐस कुछ ब्लैक एंड वाइट भी नहीं होता है ये चीज़ समझना चाहिए वाई डू इंडियंस गो अब्रॉड फॉर मेडिकल स्टडीज द सिंपल रीज़न इज़ इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ अगर हम जाते हैं इन कंट्रीज़ में यूक्रेन वगैरह तो यहाँ मेडिकल एजुकेशन रिलेटिवली चीपर भी है तीस चालीस लाख रुपए अपने यहाँ प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं द होल थिंग इज़ पॉपुलेशन ज़्यादा है और अकॉर्डिंगली हमारे पास इंफ्रा नहीं है सोल्यूशन केवल एक ही है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोले बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं हो कि वो इंजीनियरिंग का जैसा हो जाए कि हर गली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज नो वहाँ पे क्वालिटी इंश्योर कराए और ये अगर गवर्नमेंट बैग्ड हो इन मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट इसको फंडेड करे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रहे एजुकेशन हो बट अगेन अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इन तीन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो ये फाइनेंशियल हब है वर्क इन प्रोग्रेस आईएफएससी गुजरात सिटी है फाइनेंस टेक सिटी है डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद एंड गांधीनगर तो एक्चुअली एक, एक आइडिया था जैसे सेज़ आया था ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो है तो इंडिया में बट वहाँ पे जो भी उसका एक्टिविटी है वो फॉरेन टेरिटरी की तरह कंसिडर किया जाएगा एक्सपोर्ट जो रहेगा उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा जो यहाँ से बाहर जा रहा है इंटरनेशनल टैक्स लॉज भी यहाँ पे लगेंगे तो सिमिलरली गिफ्ट सिटी सेज़ है डीमारकेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट यूनिट्स एक फाइनेंशियल सेंटर बनाने की बात है ये कहाँ बन रहा है गुजरात में बन रहा है गुजरात गिफ्ट सिटी ये बहुत अच्छा न्यूज़ है दिस इज़ एन आउटसाइडर विद इनसाइडर इन साइड से की जो चीफ है दैट इज माधवी पुरी बुच तो आप सेबी की नई चीफ़ बनी है देन शिफ्ट टू स्मॉलर दिस कमर्शियल व्हीकल्स इज़ एन अपॉर्चुनिटी दिस ये न्यूज़ है डिजिटाइजेशन से लार्ज डील्स हुआ टेक महिंद्रा ने बताया ग्लोबल फूड प्राइसेस अप हुई है ट्वेंटी पॉइंट सेवन परसेंट इन्फ्लेशन भी है ये स्पोर्ट्स का न्यूज़ है एंड दिस इज़ दिस इज़ अबाउट वॉर एंड यूथ जिस तरीके से इंडियंस को इवैकुएट यहाँ पर किया जा रहा तो है तो प्रॉब्लम्स हैं कंसर्नस हैं स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि इट इज़ नॉट दैट ईजी कि दो यहाँ पर हैवी वेट यहाँ पे हो रहा है नाटो एंड यू एस एस आर रशिया सो इट इज़ नॉट दैट ईजी कि इधर से अपन इतना स्विफ्टली यहाँ पर चीज़ों को करें प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी होते हैं बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ डूइंग द बेस्ट सो द पॉइंट इज वॉर एंड यूथ बोथ साइड शुड अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स का भी जेनुअन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को भी यहाँ पे फुल थ्रोटल वर्क करने की जरूरत है ओके सो दिस इज दिंदू और आज संडे है तो आज भी आंसर राइटिंग नहीं है कल से अपन स्टार्ट करेंगे ऑल राइट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ